गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, आज का हमारा चार्ट ट्रेडिंग कोल इंडिया पर है। आज हम बताएंगे कि कोल इंडिया पर कैसे मैंने सेलेक्ट किया लेवल, कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया, कैसे क्या मतलब क्या न्यूज़ थी, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज मैं मतलब एक मैसेज कर रहा था किसी को, तो वहाँ पर मैंने लेवल सेंड किया था, आप देख सकते हो 10:10 पर, 10:10 पर मैंने लेवल सेंड किया था। कितना सेंड किया था? सपोर्ट मैंने सेंड किया था 141.80। मतलब अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसके बहुत चांसेस है कि वो नीचे आएगा, और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस 143.20 था, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो बहुत चांसेस है कि ऊपर जाएगा। लेकिन मैं बेयरिश साइड पर था। बेयरिश साइड पर क्यों? क्योंकि बेयरिश इसलिए क्योंकि जो हमारी कोल इंडिया की न्यूज़ है, ये कुछ आने वाले दिनों में 14 दिनों के अंदर गवर्नमेंट कुछ 50 कुछ ऐसे करके कंपनीज लाने वाली है, जिससे कोल इंडिया को जो है मतलब नुकसान हो सकता है। तो मैं ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर नहीं जाता हूँ, मैं टेक्निकल्स के ऊपर दिखाता हूँ आपको। न्यूज़ सुननी चाहिए, न्यूज़ सुन के आपको एक व्यू बना लेना चाहिए कि हम सेल करेंगे कि बाय करेंगे। हमारा व्यू कौन सा है, कि सेल सेल व्यू है कि बाय व्यू है। व्यू अपना कभी किसी स्टॉक के ऊपर चेंज नहीं करना चाहिए, एक ही व्यू रखना चाहिए, एक दिन के अंदर एक ही व्यू। अगले दिन आप व्यू बदल सकते हैं, लेकिन आज का जैसे हमारा व्यू है कि हम सेल करके चलेंगे, तो चाहे मार्केट कितनी भी अप हो जाए, बाय हो जाए, हमको मतलब हम सेल नहीं हो रहा तो सेल नहीं करेंगे, लेकिन बाय भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी मिस्टेक है कि हमने मार्केट को गलत प्रिडिक्ट किया। तो ये मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। तो मैं ये दिखा रहा था कि कोल इंडिया मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क किए थे, और ये टाइमिंग बता रहा है 10:10। आज से मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं चार्ट रीडिंग, अलग अलग चार्ट रीडिंग पर वीडियो बनाऊंगा, और अगर सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाते हैं तो मैं लाइव मार्केट के अंदर वीडियो बनाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग चलेगी मेरी। आज का ट्रेड दिखा देते हैं। आज का ट्रेड ये आला था कोल इंडिया के अंदर। तो कोल इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने ये पहले अपसाइड गया, अपसाइड के अंदर साथ में रहना। अपसाइड गया, अपसाइड जाके ये सस्टेन नहीं किया, सस्टेन नहीं किया मतलब यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लेवल मार्क कर रखे हैं 143.20, 141.10, तो ये दो लेवल हैं। अगर मार्केट यहाँ से अप जाना होता तो इसको ब्रेक करता 143.20। अब यहाँ से अप नहीं गया, यहाँ से ये यहाँ पर पहले एक कैंडल जो है, एक कैंडल इसको ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद देन फॉल हुआ ये। तो फॉल कितना हुआ? हमारे नेक्स्ट सपोर्ट जो है 140.80, एकदम यही लेवल पर हमारा सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट पर ये गिर गया। तो ये है चार्ट रीडिंग। अब मैंने ये कैसे लेवल मार्कआउट किए, कैसे क्या किया, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं इसको पूरा रिवील करूँगा, पूरा अच्छे से नॉलेज दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं जो है इधर से अपना सपोर्ट दूंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर कुछ भी यूज़फुल लगता है। और आज की वीडियो में एक और जो आज मैंने सीखा है कि मार्केट देखिए कैसे परफॉर्म करता है। पहले
पहले के 5-10 मिनट जब मार्केट ओपन होता है तब बहुत वॉलीटिलिटी रहती है, तब भी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट की न्यूज़ प्रॉपर पता है कि मार्केट की न्यूज़ ये है, मार्केट ऐसे परफॉर्म कर सकता है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फर्स्ट 5-10 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 5-10 मिनट में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी कभी 5-10 मिनट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब 5-10 मिनट्स हो जाते हैं उसके बाद आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स का चार्ट देखना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी ट्रेड बनता दिखता है तभी ट्रेड लेना चाहिए, अगर ट्रेड बनता नहीं दिखता है तो आपको नहीं लेना चाहिए। सबसे बात ये है कि ट्रेड बनना चाहिए। जैसा कि आज कोल इंडिया पर बहुत अच्छा ट्रेड बना, और ये जब ऊपर, ये कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि किसी किसी स्टॉक में फेक ब्रेकआउट दे देता है, फेक ब्रेकआउट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फेक ब्रेकआउट ये होता है कि ब्रेकआउट दिया फिर उसके बाद तुरंत नीचे आ गया। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम मार्केट डेप्थ देख सकते हैं। अगर मार्केट डेप्थ बायर सेलर्स का रेशियो मतलब वॉल्यूम का देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम थोड़ा लूज़ हो रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहे हैं तो वो फेक ब्रेकआउट है। विद वॉल्यूम जो ब्रेकआउट होता है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट मतलब जो पुराने वॉल्यूम चल रहे हैं उनसे थोड़ा ऊपर जो वॉल्यूम होता है तो वो ट्रू ब्रेकआउट होता है। सो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।